उत्तराखंड राज्य कर्मचारी घोषित करने को लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंप हड़ताल की, साथ ही मानदेय भी बढ़ाने की मांग की। उधम सिंह नगर के विकास खंड खटीमा में मिनी कर्मचारी संगठन की आंगनवाड़ी सेविकाओं ने मानदेय बढ़ाने और उत्तराखंड राज्य कर्मचारी घोषित करने को लेकर बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंप हड़ताल की। सेविकाओं का कहना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, बहरी बनकर बैठी हुई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कार्य पर नहीं लौटेंगे और अपनी मांगों को लेकर इसी प्रकार धरने पर बैठे रहेंगे। जी सर, हमारी यही रिक्वेस्ट है अपनी सरकार से कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कि हमारी मानदेय वृद्धि की जाए, 18,000 हमें दिया जाए, जो कि हम बहुत लंबे समय से सरकार से कह रहे हैं। हमारा हमें मतलब कीजिए सरकारी कर्मचारी घोषित की थी, लेकिन सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं कर रही है, इसलिए हमें अब उसमें बैठना पड़ रहा है स्ट्राइक में, क्योंकि हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा। हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर, हमारा मानदेय सिर्फ 9,300 रुपये है। तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगे, निश्चित काल तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।